लेकिन चिड़क मेले में मैंने देखा ऊपर स्पेशल कैमरा लगा रखा, जब भी कैमरा में आपा देखांगे आनी लुगाई इतनी सुतरी है, अपनी मां ने क्रॉस करण लाग। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल लाडी जवाना डायरी फार्म पर। आज आप पहुंचे हैं भाई सुरेंद्र के फार्म पे, एचएसबी पे भाई, और अपनी यह वीडियो सबसे स्पेशल होने वाली है भाई के फार्म का, जो भाई का एक ना फाइटर जेट है उसकी वीडियो बनावांगे, जिसने कोई सो भी परीक्षा के मोहताज नहीं है भाई, जिस तरह सुरेंद्र उसी तरह भाई, भाई का यू कटड़ा जिसका कोई परीक्षा देने की जरूरत नहीं है और ना ही इसके माँ के बारे में कुछ कहने की जरूरत है। और ये सारी जानकारी आगे भाई पे ही लेंगे, क्योंकि भाई इसकी माता है और इस नुआबत है सदा का जुड़ा हुआ भाई, और सदा तो सारी जानकारी भी भाई पे ही लेंगे। भाई साहब राम राम। राम राम लाडी भाई, और नवाब है भाई, भगवान का वरदान कह लो आप सरस्वती ने या नवाब ने कह लो, तो सारे देश आज जाना है नवाब, आज जाना है भाई सरस्वती ने। सरस्वती वह मैस है भाई जिसकी लाइव मिल्किंग में और लाइव जो भाई का चैनल पर चली थी, जितने लोग उस भैंस पर जुड़े हैं आज तक और किसी भी भैंस ने कितने दूध दे दिया, लाइव मिल्किंग में इतने लोग कदे इकट्ठा नहीं हुए होंगे भाई। आज लाडी भाई अगर आप यूं बोला ना किसी एमएलए को, हाँ जी हाँ जी, ये 10,000 आदमी इकट्ठे कर दो, हाँ जी, तो 10,000 आदमी इकट्ठे नहीं हो सकते। हाँ जी, लेकिन सरस्वती का वो क्रेज देखा है मैंने, ये लाइव जब आप चलाते थे तो 8-8, 10-10 हजार आदमी लाइव में वेट करते थे भाई, लाइव चलते ही जुड़ गए और 8-8, 10-10 हजार आदमियों की रीच आ गई वीडियो, रीच आ गई वीडियो में। जैसे भाई आप मेरे वर्ग का लाइव चलाओ, उसमें देखा है 70 जुड़ गए, 150 जुड़ गए, 500 जुड़ गए, वो 8-8, 10-10 हजार आदमी जुड़े थे सरस्वती की लाइव बिल्कुल मिल्किंग थी भाई, वो तो वरदान ने है किस्म था। और जिस टाइम पे भाई आपने सुखबीर भाई के घर पर चलाई थी तो आदमी आप तो उसमें थे, ताऊ बेत थे, कितने आदमी थे? मेरे ख्याल में 500 आदमी जरूर होंगे, 500 आदमी थे। उसके बाद तो किसी में ऐसे ने कितने रिकॉर्ड बनाए दिया, कोई नहीं जुड़िया देखा होगा इतना। लड्डी भाई उस जैसा क्रेज तो मैंने देखा है को नहीं किसी भैंस का, और उसका ज्यादा दूध भी दे दिया भैंस ने बाद में। हाँ जी भाई साहब, लेकिन वो एक अलग वरदान जैसा कि मैंने शुरुआत वरदान से करी है। हाँ जी हाँ जी, तो वो भैंस, हाँ जी, चाहे वो सुखबीर भाई के पास खड़ी हो, हाँ जी भाई, चाहे वो पवित्र भाई के पास आज खड़ी हो, हाँ जी भाई साहब, वो भैंस ऐसा उसके जहाँ कदम पड़ गए ना उसने घर भर दिया, कर्म वाली भैंस है भाई, भाई सुखबीर था भी इतना दिया उस भैंस ने कि भाई ने आज तक भी कहते हैं कि सरस्वती की ही देन है जो कुछ है, और भाई पवित्र था बहुत कुछ दिया भाई। आज देखो मेरे घर ये समझ लो एक सरस्वती कह लो, एक भगवान का वरदान कह लो, नवाब कह लो, अंजी, अंजी। जो भाई साहब अपना पवित्र भाई ने नंबरदार जी ने अपना तय दिया, एक गिफ्ट दिया, और लाजवाब रिजल्ट आने लग रहे हैं। और यूं मान के चलो मारा घर भी एक किस्म तक नवाब ने भर दिया भाई, सरस्वती का ये हाथ है, यो सरस्वती का ही अंश है भाई। हाँ बिल्कुल, और बहुत बहुत जबरदस्त भाई, जितना भी कमांगे ना उतना कम आज की डेट में मेरे ख्याल में इससे फेमस बुल इंडिया में कोई नहीं होगा, नवाब से फेमस। हाँ, जहाँ तक मेरे को पता है कि कैसे सिलेंडर में से सीमन छीन लेते हैं लोग। हाँ, जिस टाइम जहाँ सप्लाई जाती है उस टाइम भाई, हाँ, लोग भाई का कहना यू है कि लोग छीन ले हैं, इतना क्रेज है नवाब का। भाई सरस्वती की थोड़ी सी जानकारी दो भाई, दूध की कितनी? 33 किलो 131 ग्राम दूध। हाँ जी, लगातार मेरे ख्याल से 4 साल तक उस दूध के नेड़े कोई जाने वाली भैंस नहीं, कोई भैंस नजदीक भी नहीं गई। हाँ, और मान के चलो 6 महीने की ब्याई का पवित्र भाई के घर पे 28 किलो दूध बाखड़ी का या बिन भैंस का 6 महीने की ब्याई का 28 किलो दूध तुलवाया। हाँ जी, देखो कई आदमी है ना लाडी भाई, उंगलियां उठाने वाले भी होंगे। हाँ जी हाँ जी, लेकिन नवाब की कटड़ियों ने जो रिजल्ट दिया ना, हाँ भाई इसका तो रिजल्ट भी आ लिया गया दूध का। मान के चलो आप एक कटड़ी का नाम ले दे, बिंदर भाई साहब होशियारपुर वाले हैं, डॉक्टर साहब अपने बहुत अच्छे मित्र हैं। हाँ जी हाँ जी, उनके घर पे 10 किलो दूध वाली भैंस से पहले ब्यात में 16.5 किलो दूध मैंने मिल्किंग करवाई, 10 किलो वाली पैसे 16.5 किलो 16.5 किलो। तो देखो डोमिनेट बोल इसने बोलिया जाए भाई, किसी भी परिचय की ना तो सरस्वती मोहताज ना मेरी इतनी औकात के मैं सरस्वती के बारे में बोलूं या नवाब के बारे में बोलूं, बारे में कुछ बड़ा ये जो मेरा रुतबा है ना उस तो बहुत ऊपर ये दोनों जो है पशुधन है। हाँ जी भाई साहब, मैं तो यह बात कहूंगा वो पहली भैंस थी भाई जिसने रिकॉर्ड बनाया था भारत का, आज तो बहुत भैंस ने बनाया दिया, वह भी बहुत अच्छी भैंस है भाई, और पहली भैंस थी जिसने इतना रिकॉर्ड बनाया था और इतनी महंगी सेल भी हुई थी भाई। बिल्कुल बिल्कुल, और उसके बाद मेरे ख्याल से और भैंस इतनी महंगी सेल वही है, पता वो क्रेज भाई साहब आना है को नहीं, जो जालिया ना क्रेज। हाँ जी हाँ जी, जो सरस्वती का क्रेज आया था वो क्रेज किसी भैंस का मैंने देखा नहीं आज, नहीं आना आगे। और अब बात करूं आज नवाब खड़े है चस्बी पे, जो इसका सीमन का क्रेज है
शायद क्या पता मैं मेरी पूरी जिंदगी में कोई ऐसा बुल ना देख पाऊं जो इसका क्रेज आया है। और आप देख लो बुल के बच्चे चिड़क मेला में मैं ज्यादा मेले में पार्टिसिपेट है उसका, शायद अगले साल भी आप कम मेले में पार्टिसिपेट करा भाई जावा किसी मेले में स्टॉल भी लगावा, क्योंकि देखो मेले में जाने का मतलब के है कि उधर जाके मार्केटिंग करनी। अपने सीमन स्टेशन के बारे में लोगों को बताना, उसका भगवान की दया से आप भाइयों के दया से लगभग 20-25 लाख भाई अपने साथ जुड़े हुए हैं, उसकी अपने को जरूरत नहीं है, बस प्यार प्रेम में चले जाते हैं। लेकिन चिड़क मेले में मैंने देखा नवाब के बच्चे, शायद कोई ऐसी कैटेगरी होगी कि नवाब के कम से कम भी 20 बच्चे जो है वो इनाम में आए होंगे पहले से 10वें नंबर तक, और मेरे ख्याल से 3-4 कैटेगरियां ही होती हैं कल्ले नवाब के। ऐसे बच्चे पैदा करता है भाई साहब चौड़ी पीठ के जेड ब्लैक बच्चे, किसी की बच्चे की 2 इंच की वाइट आ गई, किसी की 4-5 इंच की भी आ सकती है, लेकिन बस ये मान के चलो इसका कोई वो नहीं है, मेरे शब्द छोटे हैं इसके आगे नवाब के बारे में। मैं जितना भी बोला उतना कम है भाई, देख लो जितने भाई हैं सिंह देख लो नेचुरल है भाई बनवाया हुआ, यो थोड़ा बहुत बनवाया हुआ है अपना फार पास आके, शायद नहीं बनाया होगा नंबरदार जी के पास बनाया भाई। और देखो इसकी वो भाई ने कहा था बीच टांगों का गैप देख लो भाई, पीठ क्वालिटी देख लो कटड़े की भाई, शायद ही लगा अपने जितने बुलाए पीठ क्वालिटी सबसे अच्छी है भाई लाडी भाई, यो तो यूं समझ लो। और भाई टेस्टी कलर देख लो, कई भाई है ना डोमिनेंट बोलते हैं डोमिनेंट, ना ही कि अपने मेड़ा में लगाना इस करके करके नेचुरली देखो टेस्टिकल का साइज क्या है भाई, नेचुरल है यहाँ पे तो वहीं खड़े रहा जिस तरह अपने आम आदमी का घर में खड़े हैं, उरा सेट बोल हैं कोई सी एक बात नहीं। लाडी भाई डोमिनेंट की बात करूं था मैं, हाँ जी हाँ जी, नवाब समझ लो फोटो कॉपी निकाल दो सरस्वती की, हाँ जी वो कॉपी यो खुद है, हाँ हाँ, और वरदान है भगवान का के यो भी आगे है ना हु बहु वो ही बच्चे पैदा करने लग रहे, न्यू की न्यू सरस्वती तारण लग रहा। हाँ तो देखो ये गॉड गिफ्ट हो किसी का आत्मा नहीं होते, ना मैं भगवान ना इसने जड़ जन्म लिया ना जड़ जिस भाई ने मृत्यु यो दिया ना वो भगवान, ये भगवान का वरदान हो है। इसकी डोमिनेंट इतना तकड़ा है ये के मान के चलो अपनी माँ के ऊपर लगभग मेरे हिसाब से 80-90% बच्चे माँ के ऊपर लेके जाता है, माँ के ऊपर लेके जावे ना कि खुद पे कि किसी अगली जो भैंस है उसके ऊपर। और दूध की बात आ गई, जिस भैंस का दूध 10-12-14 किलो है उसकी कटड़ी पहले ब्यात में दूसरे तीसरे ब्यात में 12-14-15 किलो पहले ब्यात में अपनी मां ने क्रॉस करण लाग रही है। हाँ इसकी कटड़ी जो है अपने पहले ही ब्यात में मां ने क्रॉस करते हैं। अब तक मेरे ख्याल से सरस्वती का ही रिकॉर्ड होगा भाई उठेगा पीडीएफ का भी बत्ती कितना निकलो आया था लाडी भाई, आप मेरा वो तो सारा एक एक चीज ध्यान में कोनी, शायद पीडीएफ का सरस्वती का रिकॉर्ड है अब तक, लेकिन आज तो ना देखो एक क्या कर रहे हैं बोले भाई फलानी लुगाई इतनी सुतरी है, लेकिन अगर बच्चे अगर सुतरे पैदा नहीं करें ना उस चीज का फायदा क्या? कुक को देखो। सरस्वती तो वाह देवी है जिसने नवाब पैदा करा, जिसने नवाब ने आगे फिर जबरदस्त रिजल्ट दिए, ठीक है भाई कोख कैसी है उस भैंस की? नहीं। वो बहुत बढ़िया और जबरदस्त रिजल्ट वाली है, और नवाब ने भी आगे देखो दंदन करवा दी जिसके घर में बच्चे पैदा हुए हैं वह लोग बोलेंगे भाई ना कि भाई बोलेंगे जितनी भी, और पीछे भाई ने लगातार काशी कटड़ियों का दूध भी दिखाया था मेरे ख्याल में सब तो ज्यादा इसे की तुलवाई होंगे 5-6 कटड़ियों का दूध तुलवा दिया होगा, 5-6 कटड़ियों का दूध। और अब देखो पूरी तैयारी में है कटड़ा गर्दन वगैरह की जो है, मेरे ख्याल में इस बुल का ऐसा सिस्टम है लाडी भाई, दिन में 24 घंटे में तैयो 4-5-6 घंटे है ना सरस्वती भी जिस तरह आदमी नहीं सोया करे यूं सो के खराटे लिया कर दी, जो भी न्यू एलेवा है जो का तो अपनी माँ पे भाई, जब भी इसके ऊपर स्पेशल कैमरा लगा रखा जब भी कैमरा में आपा देखांगे ना तो 24 घंटे में तैयो लगभग 5-4 घंटे है ना लंबे पैर करके सोएगा, और अभी थोड़ा सा चंचल इसलिए हो रहा है वही टाइम है भाई, पता मेरे ख्याल से 6:30-7 बज गए, 6:30 बज गए मेरे ख्याल में, तो 6:30 बजे भी इसका दाना का टाइम है, 3 बजे के आपने बांध रखे 3 बजे के आपने बांध रखे हैं। तो भाई देखो नवाब की साले क्या सारे भाई देखो, और मैं के बोलूंगा नवाब और सरस्वती के बारे में, लाडी भाई एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगा मैं आपके पास इसकी कटड़िया की वीडियो भेजूंगा, हाँ जी वो जरूर आप वीडियो लगाइयो, ठीक है भाई सर साथ में, हाँ सरस्वती की भी भेज दूंगा मैंने पहले भी आपते ही वीडियो दे रखी है सरस्वती की, तो हाँ जी हाँ जी, तो आप जरूर साथ में लगाइयो, और जितना भी देखो आपा कम बोलना इसके बारे में उतना कम है, जड़ाइयो पैदा होया सुखबीर भाई का सरस्वती
जब पवित्र भाई के पास खड़ी है, यो नंबरदार जी इसने लेके गए थे। अब तो देखो जब भी किसी बुल की वीडियो बनावा हाँ, जिस जो भी मान के चलो जिस भाई तभी आप बुल लेके आए हाँ, उसके आप जरूर नाम लेके इनका वहाँ भाई भाई का बड़ा बड़ा शुक्रिया नंबरदार जी का, जो इतनी अच्छी चीज अपना घर आई और आज सारी दुनिया में नवाब के साथ साथ मन भी जानने लग गई भाई। हाँ भाई यही कहना चाहूंगे कि आप नवाब के बारे में कहोगे और के भाई के बारे में कहोगे, लोग किसो परिचय की जरूरत नहीं है सुरेंद्र भाई ने, और आप तो एक ना छोटे है आदमी आओ आप के परिचय देंगे भाई का, और भाई ने सारी जानकारी दी है और अपने HSB के बारे में भी भाई ने सारी जानकारी दी है। भाई के विचार किसे लगे, वीडियो किसी लगी कमेंट में जरूर बताना, और कमेंट में आप सरस्वती की वीडियो भी लगा देंगे साथ में वीडियो में, और इसके बच्चे कटड़ियों की भी वीडियो लगावांगे, और तो वीडियो किसी लगी और आपने जितनी भी वीडियो बनाई है सारे भाई अपना साथ दो, और वीडियो किसी लगी सारे भाई अपने कमेंट करके अच्छी लगा अच्छी बताना, गलत लगा गलत बताना, तो सारे भाइयों की का धन्यवाद, और सारे भाइयों तक लास्ट में अगर किसी भाई ने कुछ गलत लगे तो माफ़ी भी जरूर दे दियो भाई। ठीक है भाई साहब, ओके सुरेंद्र भाई धन्यवाद, थैंक यू आपका।